दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसीज के रिगार्डिंग और भी अदर पैरामेडिकल वैकेंसीज की रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये जो वैकेंसीज है आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी हिसार हरियाणा से आई हुई है। तो दोस्तों इसमें जो है एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा था, सर हमारे यहाँ पर जो है टीबी हेल्थ विजिटर का वैकेंसीज आया है तो इसमें जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो उसकी मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो वैकेंसीज है आपको पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये। जैसे कि राजस्थान में भी आपको अभी मैंने लेटेस्ट 2 दिन पहले वीडियो डाला था उसमें बताया था 78 वैकेंसी जो है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र का आ रहा है, तो वह इसी प्लानिंग के तहत आ रहा है। जैसे कि ये हिसार से वैकेंसी निकला है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की ये योजना है जिसके तहत जो है यहाँ टीबी मुक्त भारत करने के लिए योजना चला रही है। और उसके लिए जो है प्रत्येक स्टेट में केंद्र सरकार बजट देती है राज्य सरकार को और इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए ये प्रोग्राम चलाती है और इसके तहत जो है ये वैकेंसी आती रहती है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करेंगे, पहला जो वैकेंसी है आपका मेडिकल ऑफिसर का है और नंबर ऑफ़ वैकेंसी 6 है, 50,000 पर मंथ सैलरी है और क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर दे रखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन MBBS फॉर्म ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और एनी अदर स्टेट मेडिकल काउंसिल इन इंडियन यूनियन डिजायरेबल नॉलेज ऑफ हिंदी एंड मैट्रिक स्टैंडर्ड। दूसरा जो वैकेंसी है आपका यहाँ पर आयुष मेडिकल ऑफिसर का है, नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है और सैलरी जो है एंट्री लेवल यहाँ पर दे रखा है 18,750 पर मंथ, पे बैंड जो है इसका रहेगा 9,300 34,800 ग्रेड पे 4,800। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं ए डिग्री इन आयुर्वेदा सिस्टम और मेडिसिन फॉर्म एनी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी क्वालिफिकेशन दे रखी है तो सभी को मैं यहाँ पर पढ़ के नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूँगा तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपका वह है जोनल एंटोमोलॉजिस्ट, एक वैकेंसी है और इसके एंट्री लेवल पे रुपीज़ जो है 13,830 पर मंथ, पे बैंड जो है 9,334,800 ग्रेड पे 3,600 है और क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमबीसी इन जियोलॉजी विद एनाटॉमीलॉजी हैज वन ऑफ द सब्जेक्ट हिंदी एंड संस्कृत। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपका यहाँ पर 8 नंबर पे जो है वह है एजुकेटर का है और यहाँ पर आप देख सकते हो एक वैकेंसी है और एंट्री लेवल जो है 16,090 पे रहेगा पर मंथ सैलरी, पे बैंड जो है 9,334,800 ग्रेड पे 4,000 रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc डिसेबिलिटी स्टडीज हिंदी एंड संस्कृत अप टू मैट्रिक। नेक्स्ट जो वैकेंसी है 9 नंबर का, इसी की बात हो रही थी, टीबी हेल्थ विजिटर का एक वैकेंसी है, एंट्री लेवल जो है इसका 9,840 पर मंथ रहेगा और पे बैंड जो है 5,200 से 20,200 ग्रेड पे 2,400 रहेगा। क्वालिफिकेशन आप यहां पर क्लियर कर देता हूं मैं आपका जो कमेंट था उस बच्चे का। ठीक है, तो ग्रेजुएट मांगा इन्होंने और इंटरमीडिएट, ठीक है, या तो ग्रेजुएट होना चाहिए या इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास, ठीक है 10+2 होना चाहिए और एंड करके यहाँ पे इन्होंने लिखा रखा है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग हैज MPW मल्टीपर्पज वर्कर या लेडी हेल्थ विजिटर या ANM या हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट और हायर कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन या काउंसलिंग और ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज कोर्स। सेकंड नंबर पे जो क्वालिफिकेशन है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेटर मिनिमम 2 मंथ का, थर्ड नंबर पर जो है हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक। तो दोस्तों इसमें जो सीधी सी बात है यहाँ पर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट, ठीक है दोनों में से कुछ भी हो तो चलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई 12वीं पास है वो भी इसको भर सकता है, अगर कोई ग्रेजुएशन है वो भी इसको भर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो और करके लिखा है एक्सपीरियंस कंपलसरी है आपके पास, MPW में एक्सपीरियंस होना चाहिए या लेडी हेल्थ विजिटर में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ANM के अंदर आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट ऑफ हायर कोर्स होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन होगा सैनिटरी इंस्पेक्टर होगा, ठीक है वह है तब भी आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो वैकेंसी वो सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है, एक वैकेंसी है। एंट्री लेवल जो सैलरी रहेगा 12,500 रहेगा, पे बैंड जो है 9,334,800 रहेगा, ग्रेड पे 3200 रहेगा। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल असिस्टेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, और द कैंडिडेट विद एटलीस्ट 2 या 3 ईयर एक्सपीरियंस एंड हैविंग गुड नॉलेज ऑफ ऑफिस मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस और कंप्यूटर और रिटायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट असिस्टेंट ऑफ इक्विवेलेंट फॉर द हरियाणा गवर्नमेंट। 11 नंबर पे जो वैकेंसीज है वो है आपका यहाँ पर अकाउंटेंट का है, एक वैकेंसीज है, और इसका पे बैंड जो है 9,334,800 रहेगा, ग्रेड पे 3200 रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीकॉम विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, नॉलेज ऑफ टैली ईआरपी नौ सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट फॉर द सेम इज रिक्वायर्ड, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू अकाउंट वर्क, हिंदी एंड संस्कृत नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपका यहाँ पर स्टाफ नर्स फीमेल का है, नंबर ऑफ वैकेंसी 37 है, और पे बैंड जो है 9,334,800 रहेगा, ग्रेड पे 4200 रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मांगा है आपसे बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स फॉर में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्स सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी आपका यहाँ पर वो है एनएम का है, 17 वैकेंसीज है, और यहाँ पर पे बैंड जो है 5,220,200 रहेगा, ग्रेड पे 2400 रहेगा। एनएम कोर्स होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विद हरियाणा से होना चाहिए, नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से, और हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें तो वह है आपके फार्मासिस्ट का, 5 वैकेंसीज है, और पे बैंड जो है 9,334,800, ग्रेड पे 3200 रहेगा। एसेंशन क्वालिफिकेशन 10+2 विद साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 6 नंबर पर जो वैकेंसी है ऑप्टोमेट्रिस्ट का है, एक वैकेंसी है, और यहाँ पर पे बैंड जो है 5,220,200, ग्रेड पे 2400 रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कोर्स फॉर ने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड, हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है पैरामेडिकल वर्कर का है, बहुत अच्छा वैकेंसी है, और एक पोस्ट है यहाँ पर जो है एंट्री लेवल पर सैलरी जो रहेगा 7,850 रहेगा, पे बैंड जो है 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 रहेगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो हायर स्कूल या हायर सेकेंडरी होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ पैरामेडिकल वर्कर ट्रेनिंग, ठीक है, MSW या BSc विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड हेल्थ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और तो दोस्तों यहाँ पर जो है जिनके पास पैरामेडिकल वर्कर के ट्रेनिंग कोर्स है या सर्टिफिकेट है तो वो इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है आपका यहाँ पर टेक्नीशियन का है, 10 वैकेंसी है, और पे बैंड जो है 5,220,200 रहेगा, ग्रेड पे 2800 रहेगा। रजिस्टर्ड बी फार्मेसी या डी फार्मेसी जीएनएम बीएससी नर्सिंग हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी 14 नंबर पे जो है वह STLS का है, ठीक है, सीनियर ट्रीटमेंट लेबोरेटरी सुपरवाइजर का है, एक वैकेंसी है SC कैटेगरी का है, पे बैंड जो है 5,220,200, ग्रेड पे 1900 रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे सकते हो, ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट और इक्विवेलेंट फॉर द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, परमानेंट 2 ईयर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेटर मिनिमम 2 मंथ का होना चाहिए, और हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिविजनल बायोमेडिकल इंजीनियर का है, एक वैकेंसी है, और पे बैंड जो है 9,334,800, ग्रेड पे 4200 रहेगा। और क्वालिफिकेशन जो है BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या बायोमेडिकल इंजीनियर विद एक्सपीरियंस इन बायोमेडिकल फील्ड हॉस्पिटल इन हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। 16 नंबर पे जो वैकेंसी सीनियर डोर्स प्लस TB HIV सुपरवाइजर का है, एक वैकेंसी है, और पे बैंड जो है 5,220,200, ग्रेड पे 2800 रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप, ग्रेजुएट मांगा है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेटर मिनिमम 2 मंथ, परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइव लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर, गुड कम्युनिकेशन स्किल इन लोकल लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत का ज्ञान जो है डिजायरेबल में मांगा इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सारी वैकेंसी मैंने आपको दिखा दिए, और आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है प्रोविजनल इंट्रक्शन देख सकते हो, और आप जो है ये ऑनलाइन करना है फॉर्म आपको, ठीक है, और इसके लिए जो है आपको ये कब तक करना है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 16/8,
2021 तक करना है, उससे पहले, ठीक है। और यहाँ पर फीस जो है 100-200 रुपये इन्होंने दे रखा है कैटेगरी वाइज। एज क्राइटेरियन यहाँ पे मेंशन कर रखा है अदर स्टाफ का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट जर्नल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।